485 शहरों में 49वां, प्रदेश में 11वां स्थान हासिल कर रीवा शहर स्वच्छता अभियान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहा। हम आपको बता दें, 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रीवा ने देश में 49वां स्थान हासिल किया, वहीं प्रदेश में 11वां। पिछले वर्ष प्रदेश में हम 10वें नंबर पर थे, हमसे ऊपर 22 शहर थे। वहीं स्वच्छता अभियान में देश के 50 शहरों में अपना स्थान बनाना भी काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। पिछले वर्ष मुकाबला 434 शहरों से था, उसमें हम 38वें नंबर पर थे। इस वर्ष 51 शहर और बढ़ गए, हम रैंकिंग में 11 नंबर और सरक गए। इसकी एक बड़ी वजह कचरा उठाने वाली कंपनी के द्वारा बेहतर तरीके से काम न कर पाना माना जा सकता है। देश में 49वीं रैंकिंग यह तो बताती है अधिकारी कर्मचारियों ने काम किया है, फिर भी कहीं चूक हुई है। बस इसी चूक को खोजना है, कचरा उठाने वाली कंपनी को टाइट करना है, पहाड़िया में बनने वाले वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र के प्रारंभ होने का इंतज़ार करना है, नगर निगम की टीम को थोड़ा और मुस्तैद रहना है, तभी बेहतर परिणाम आएंगे। रीवा शहर की जनता को भी सोचना होगा, यह तो हमारा आपका काम है। जिस तरह से हम घर साफ रखते हैं, ठीक उसी तरह से अपना पड़ोस भी साफ रखें, तभी हम कह सकेंगे हमारा शहर कचरा विहीन है, हम स्वच्छता में नंबर एक हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोग पूरे भारतवर्ष में 49वें नंबर पे आए हैं। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन लोगों ने जो है दिन रात एक कर बहुत मेहनत करी और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और इसमें रीवा के जनता का भी योगदान है और आगे हम लोग इस रैंकिंग को और अच्छा करेंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। जो है पिछली बार 441 में 38वां रैंक थी हमारी, अब इस बार 4000 में पूरे 4000 शहरों में हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण में 49वें नंबर है। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं बहुत ड्रास्टिक चेंज है। क्यों? बहुत बड़ा चेंज है। तो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा जम्प किया है हमने अपनी स्थिति में, बहुत ज़्यादा सूर्य हमारी स्थिति। हम लोग बहुत आगे बढ़ के बहुत अच्छा काम एक और कर रहे हैं। क्लस्टर आधारित आपने देखा होगा जो हमने दी है, जिसमें 340 टन कचरा प्रतिदिन उठना है पूरे रीवा सिटी और सपना क्लस्टर में। अकेले लगभग रीवा का ही 125 टन के आसपास जाएगा कचरा उठेगा यहाँ से रीवा से। और रामकी बर्मिटेड फंड को काम मिल गया है, काम मिलने के बाद उसको व्यवस्था करने में थोड़ा टाइम लगता है। पहाड़िया में हमारे पास प्लांट का काम चालू हो गया है, इसी हमको एनओसी मिलने वाली है। अभी हम वहाँ करीब 1/3 इसमें प्लांटेशन करने जा रहे हैं जुलाई में। बाउंड्री वाल बन चुकी है, जब हमारा 6 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो हमारी एक आइडियल स्थिति वो भी बन जाएगी। और यहाँ थोड़ा मैं जरूर महसूस कर रहा हूँ, पब्लिक अवेयरनेस थोड़ा पब्लिक एकदम बहुत जागरूक हुई है, मैं सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा जागरूक और होने की आवश्यकता है। हम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से काम करना चाहते हैं कि ज़मीन में कोई कचरा गिरे ना, सीधे उठे और सीधे चला जाए प्लांट में, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। स्टेटी कॉन्ट्रैक्टर भी आ रहा है उसके लिए। सबसे पहले तो हमारे सफाई कर्मचारी की मेहनत है, जो उन्होंने रात दिन एक करके डोर टू डोर कलेक्शन और कचरा संचालन संधारण, रोड की सफाई, रात्रिकालीन सफाई सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक और 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो सफाई करते हैं, उसका परिणाम है आम जनता का सहयोग है। हमारे कमिश्नर सौरभ सुमन साहब थे, उनका कुशल निर्देशन था, महापौर जी का कुशल निर्देशन था, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का कुशल निर्देशन। इस कारण हम अच्छे खासे संघर्ष करते हुए 49 नंबर पर पहुँचे हैं। भविष्य में कोशिश करेंगे कि हम 10 के भीतर आ जाएं।